अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीजे स्केल SEO का असाइनमेंट नंबर 1। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 10 हैं और इसकी जो ड्यू डेट जो है यानी कि लास्ट डेट जो है वो है 4/8/2022 यानी कि 4 अगस्त। ठीक है, ये आपकी जो है वीक नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज है यानी कि इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि आपने जो है इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ लेनी है। पहला ये कि आपने यूज़ MS Word टू प्रिपेयर टू सेट सोल्यूशन। ठीक है, आपने MS Word में सोल्यूशन सारा सेव करना है। यू में कर सकते ट्यूटोरियल वीडियो तक कॉन्सेप्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आपका जो असाइनमेंट है, आपका असाइनमेंट सबमिट उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट के बाद आपने सबमिट किया। ठीक है, और इसके जो फॉर्मेट है वो आपने .doc फॉर्मेट में या .docs फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सटेंशन किसकी है, MS Word की, यानी कि MS Word की फाइल में आपको सारा असाइनमेंट जमा करवाना है। और अगर आपकी फाइल करप्ट हुई तो आपकी असाइनमेंट मार्क 0 मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने कहीं से कॉपी किया हो, ठीक है, किसी वेबसाइट से या किसी स्टूडेंट से लिया हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करना आ जाएगी यूजिंग कीवर्ड प्लानर टूल्स। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन इन्होंने सजेस्ट ये किया कि आपने गूगल कीवर्ड प्लानर टूल्स से आपने कीवर्ड सजेस्ट करना है। ठीक है, और रिफाइन द कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, और आप लोगों को कीवर्ड सॉर्ट करना आ जाएगा किस तरीके से कौन सा कीवर्ड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही आप लोगों का एक्सरसाइज में होगा। अब चलते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। सपोज यू आर हायर बाय क्लाइंट, सपोज कर रहे हैं कि आपको हायर किया गया बाय क्लाइंट, क्लाइंट ने आप लोगों को हायर किया है एंड शी वॉन्ट्स टू डू द कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अब वो चाह रही है कि उसे कीवर्ड रिसर्च करना है फॉर हर निगलेक्टेड वेबसाइट। ठीक है, हर वेबसाइट इज अबाउट ब्यूटी टिप्स। ठीक है, उनकी जो वेबसाइट है वो ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, शी वॉन्ट टू फाइंड द पोटेंशियल कीवर्ड्स दैट कैन जनरेट ट्रैफिक टू द वेबसाइट। ठीक है, अब उनको अपनी वेबसाइट पे ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिसके जरिए वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ले सके। ठीक है, अब वो आपको सजेस्ट कर रही है कि इनिशियल कीवर्ड्स शी हैज गिवन यू आर स्किन केयर रूटीन, ब्यूटी टिप्स फॉर गर्ल्स एंड हाउ टू गेट परफेक्ट स्किन। ठीक है, अब उन्होंने के कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को दिए हैं, वो कीवर्ड्स आपने सर्च करने को कह रही है कि इस कीवर्ड से मुझे अपनी वेबसाइट या सर्च करवानी है, रैंक करवानी है। ठीक है, तो ये आपने इस कीवर्ड के जरिए आपने उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है, सिंपल। ठीक है, ये रहे उनके कीवर्ड्स, ये आपको क्लाइंट ने दिया। ठीक है, अब शी वांट टू डू द कीवर्ड्स रिसर्च फाइंड लो कंपटीशन हैविंग हाई क्वालिटी। ठीक है, लो कंपटीशन मतलब क्या हो, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स जिसके अंदर लो कंपटीशन हो, यानी कि कंपटीशन ज़्यादा ना हो। लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग, इस पर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपने ये कीवर्ड सेलेक्ट ही नहीं करना। ठीक है, आप क्योंकि इन्होंने कीवर्ड्स आपको दिए हैं तो इसी कीवर्ड्स को आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा। इसमें से लो कंपटीशन कीवर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, लो कंपटीशन कीवर्ड्स कौन से, मतलब इसमें ऑलरेडी लोग ज़्यादा लड़ ना रहे हो, यानी कि ज़्यादा लोग रैंक ना कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा लोग इस्तेमाल ना कर रहे हो, लो कंपटीशन। ठीक है, ये हमें सर्च करना है। इसका हाई वॉल्यूम के कीवर्ड्स सर्च, यानी कि लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड्स को, हमने ऐसा कीवर्ड्स देखना। ठीक है, मेकर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल बनानी, यानी कि वर्ड के फॉल में सेव करवाना एंड शेयर द फाइनल शीट, रिमेंबर दैट शी इज टारगेटिंग स्किन केयर प्रोडक्ट। और हमें फाइनल शीट से सबमिट करवाना है और रिमेंबर रहे कि शी इज टारगेटिंग स्किन केयर टिप्स ऑन हर वेबसाइट। ठीक है, वो अपनी वेबसाइट पे स्किन केयर के टिप्स देती हैं। ठीक है, या तो कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है, कोई आइटम नहीं है, सिर्फ वो टिप्स देती हैं। ठीक है, इन दिस एक्सरसाइज यू आर रिक्वायर्ड टू शॉर्टलिस्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब हमें वो कह रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में जो है हमें शॉर्टलिस्ट करने हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये भी हम आगे आगे देखेंगे, सिंपल, जिसके पहले के दो से ज़्यादा हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया आप डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, ये हो गया लॉन्ग टेल। ठीक है, तो पहले दो से ज़्यादा 3-4-5 जिसके अंदर वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या हो गया आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, अब अगेंस्ट द कीवर्ड ब्यूटी टिप्स। ठीक है, अब उन्होंने कुछ कीवर्ड्स दिए हैं ब्यूटी टिप्स, इसके अगेंस्ट हमें जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करने। ठीक है, यूजिंग द गूगल एड्स। ठीक है, द शॉर्टलिस्ट कीवर्ड्स शुड हैव लो कंपटीशन एंड हाई मंथली सर्च। ठीक है, अब उसकी जो है आपके पास लो कंपटीशन होना चाहिए और उसका हाई एवरेज मंथली सर्च होना चाहिए। शुड कंटेन स्किन केयर कीवर्ड और उसके अंदर स्किन केयर कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, टिप्स वन कह रहे हैं ओपन द गूगल कीवर्ड्स प्लानर टूल फॉर विजिटिंग, ये साइन अप इज मैंडेटरी। ठीक है, पहला इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्या है, मैं उसको म्यूट अप ओपन कर लेता हूँ। क्लिक ऑन डिस्कवर, तो पूरा सब फॉलो करना टास्क टू में। पहले में तो ये हो गया, टास्क टू में कह रहा है फाइनल रिजल्ट, यानी कि टास्क टू जो टास्क वन से रिलेटेड है और फिर टास्क थ्री भी। ठीक है, तो हम इसको हाथों हाथ सॉल्व कर लेते हैं, क्या है इसके अंदर दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, खुल जाएगी। ठीक है, आप साइन कर लें टास्क वन पर जाके।
ठीक है, मेरा जी मेल ओपन हुआ है ऑलरेडी, सबसे जी मेल आई डी ठीक है, जी मेल लॉग इन किसने ऑलरेडी लॉग इन में जी मेल कर दिया ठीक है। अब वही कह रहे हैं कि ओपन है की बोर्ड चार्ट में पी वर्स हमने कर लिया साइन अप इस मेल डेली, मैं साइन अप किया हुआ ऑलरेडी, जी मेल से ऑलरेडी लॉग इन हो गया, आप अपनी जी मेल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिक ऑन डिस्कवर न्यू की वर्ड्स, ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने की वर्ड्स डिस्कवर करना है ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, की वर्ड्स में जाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स चले आते हैं और यहाँ हमें जाना है की वर्ड्स प्लानर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिखा हुआ है क्लिक ऑन डिस्कवर न्यू की वर्ड्स, ठीक है, गेट सर्च वॉल्यूम नहीं, हमें डिस्कवर न्यू की वर्ड्स करने हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि राइट ब्यूटी टिप्स है, हम लिख देंगे राइट ठीक है, और क्लिक ऑन गेट रिजल्ट, और हम इस पर कर देंगे गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए मैंने टाइप किया है ब्यूटी टिप्स, ये कह रहे करने को क्लिक ऑन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स राइट ब्यूटी टिप्स एंड क्लिक ऑन गेट रिजल्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द डिस्प्ले रिजल्ट एंड इंसर्ट इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट। अब आपने क्या करना है कि जो आपका डैशबोर्ड शो हो रहा है इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना है। तो हम अपना एमएस वर्ड खोल लेते हैं, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपनी लोकेशन पे ताकि मसला ना हो। आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि आपने टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ द डिस्प्ले रिजल्ट, अब आपने स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट करने के आकर यहाँ पर लिखेंगे एस स्टेपिंग टूल, इसको क्लिक कर देंगे आपके पास स्टेपल हो। आपने क्या करना है, आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरीके से आपने स्क्रीन शॉट ले लेना है, लेने के बाद अपने फाइल में आएंगे और कंट्रोल भी कर देना है ठीक है। ये आपका हो गया एक टास्क, और फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ टास्क वन क्लिक ऑन द एड फिल्टर ऑप्शन, अब आपने क्या करना है एड फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये एड फिल्टर पर आप क्लिक करें। क्या करना है आपने, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट कंपटीशन, आपने फिल्टर पर क्लिक करना है सिलेक्ट कंपटीशन एंड चेक द लो ऑप्शन, सिलेक्ट कंपटीशन पर क्लिक करना है आपने एंड यहाँ पे लो कर देना है और अप्लाई कर देना है। अब आप जितनी भी लो कंपटीशन कीवर्ड्स है वो आप यहाँ सर्च कर देंगे ठीक है। आप दे सकते हैं यहाँ पे टेक द स्क्रीन शॉट एंड पेस्ट इट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, आपने क्या करना है इसका स्क्रीन शॉट लेना है टास्क टू, आप चलते हैं टास्क थ्री की तरफ। अब हम चलते हैं टास्क नंबर थ्री की तरफ, टास्क नंबर थ्री पे आपने क्या करना था, नाउ अप्लाई द कंटेंट कीवर्ड फिल्टर ऑन द डिस्प्ले रिजल्ट, टास्क टू पे अप्लाई करना है ये एंड एडिट द कीवर्ड स्किन केयर, आपने कीवर्ड एड करना है स्किन केयर का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एड फिल्टर पर क्लिक करेंगे ठीक है, यहाँ पर टाइप करेंगे कीवर्ड, कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है कंटेंट डस नॉट कंटेन, ये कीवर्ड्स कंटेन करना चाहिए, कंटेंट पे क्लिक कर देंगे और कौन सा कीवर्ड खोल रहा है ठीक है, स्किन केयर, यहाँ पे टाइप कर देंगे वैल्यू स्किन केयर एस के स्किन केयर ठीक है, और जो डिफॉल्ट हुआ था उस पर आप डिफॉल्ट रहने दें और अप्लाई कर देंगे। तो देखें इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि लो कंपटीशन सारे कीवर्ड आ गए हमारे पास यहाँ पे सारे और ठीक है, और इसके अंदर स्किन केयर सबके अंदर आ रहा होगा या स्किन केयर के अंदर। तो इस तरीके से हमने स्किन केयर के लो कंपटीशन वाले कीवर्ड हमने सर्च कर लिया। अब इसका क्या स्क्रीनशॉट लेंगे स्टेप टूल की मदद से और जाके अपनी वर्ड की फाइल में पेस्ट कर देंगे, यहाँ से मैं गया ऐसा सेव किया मैंने, तो हमने इसको सबमिट करवाना, सबमिट भी कर देते हैं हाथों से, इसको एक्सरसाइज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ठीक है। लास्ट वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग की बना चुका हूँ इसलिए यहाँ पे मेरा एक एक्सरसाइज लिखा हुआ है, वो मैंने एक्सरसाइज एक्सेप्ट करवा दिया ऑलरेडी ठीक है। तो यहाँ एक्सरसाइज पे क्लिक करूँगा मैं ठीक है, यहाँ पे सेपरेट आ रहा है लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे सेपरेट पे क्लिक करूँगा मैं, फाइल चूज करूँगा यहाँ मैंने सेव किया है और यहाँ पे सेपरेट कर दूँगा ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की फाइल सेपरेट हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर कीजिए, अल्लाह हाफिज़।